थैंक यू, दैट्स रियली स्वीट. आप आई होप कि आप वुमेन्स डे के दिन फ्लैटरिंग नहीं कर रहे हैं थोड़ी. और ये आपने सबको नहीं कहा है, हमको कह रहे हैं सिर्फ. थैंक यू, दैट्स रियली स्वीट. यस, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो ऑब्वियसली वो आंतरिक जो खुशी है वो आपके चेहरे पे भी दिखती है और आपके पूरे ऑरा में दिखती है. तो यस, वी आर वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ बी विद बेटी एंड दैट्स द रीज़न व्हाई वी आर लुकिंग सो रेडियंट. देखिए, वैसे मैं भी मातृभक्त हूँ, ये भी बहुत बड़ी मातृभक्त हैं. तो हमारा कहना है कि ये संसार चल ही माँ पे रहा है, बेटियों पे रहा है. और जब माँ और बेटियों की बात आती है तो अपने आप ही एनर्जी आ जाती है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बी विद बेटी, हमारा एसोसिएशन बहुत पुराना है, बहुत सालों से है. और अच्छी बात ये लगती है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए आते हैं, तो अंदर से एक मन को खुशी होती है कि आज आपने कुछ प्रोडक्टिव किया. और जब बहुत सारे लोग मिलकर कोई बात कहते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है. और आप अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से मिलते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं और अच्छे कॉज के लिए आते हैं, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है. और बहुत खुशी है कि इस बार भी हम हिस्सा हैं इस इवेंट का. वॉक करते वक्त हम सबके दिल में बस यही चल रहा था कि हम सबको ये कहना चाहते हैं कि दुनिया की हर बेटी के साथ हम खड़े हैं, साथ चल रहे हैं. #BeWithBeti. देखिए, मीडिया एक ऐसा ज़रिया है कि हम एक्टर्स अपनी जो भी बात है अगर हम घर में कहेंगे तो वो बात पहुँचेगी कैसे, आपके ही ज़रिए दर्शकों तक पहुँचती है. तो इसलिए आपका सबसे ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी जितनी हमारी मीडिया हो सकती है, वर्ल्ड मीडिया इनफैक्ट रहती है. और एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ पर हम जो भी बात कहेंगे वो मासस तक पहुँचेगी और लोग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के बारे में जानेंगे कि कितना महत्वपूर्ण होता है एक लड़की को सपोर्ट देना, उसको पंख देना उड़ने के लिए. और उन्हीं में से एक बेटी मैं भी हूँ, मैं भी एक छोटे से शहर बनारस की हूँ. और अगर मुझे वो पंख नहीं दिए गए होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती और अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर पाती. तो आप भी जैसे हमें सुन पा रहे हैं, प्लीज़ अपनी बेटियों को पंख दीजिए, उनके सपनों पर विश्वास कीजिए और उनको उस ऊंचाई तक जाने दीजिए जहाँ वो जाने डिजर्व करती हैं. Exactly. मुझे लगता है सेफ्टी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है. मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना, भय बिन प्रीत न होए. तो भय जो एक वर्ड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी कहीं ना कहीं ये लैक कर रहे हैं. एज़ प्रधानमंत्री मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश बहुत गौरवान्वित है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं. वो हर जगह पे हमारा नाम बहुत ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश की जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तभी इतने सारे केसेस आज हो रहे हैं. तो मैं चाहती हूँ कि फांसी की सज़ा जो है वो और भी कड़ी करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए. निर्भया हत्याकांड पर भी जो भी हुआ, उसकी माँ के जो इंटरव्यूज़ पड़े, मेरी भी आँखों में आंसू आ गए थे कि एक माँ ने अपनी बच्ची को खोया और इतने साल इंतज़ार किया, वो भी गलत है. तो जब वो एक भय इंक्रीज़ होगा लोगों में और लोग डरेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अगर किसी भी बेटी के साथ में ऐसा किया जाए, तभी आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बदलाव लाया जाए तो ही हम सुरक्षित महसूस कर पाएंगे. भाई, मेरे साथ तो एक बहुत ही खूबसूरत, प्यारी, न्यारी, दुलारी बेटी है. तो इस बेटी के साथ साथ दुनिया की हर बेटी के लिए आज की शाम मैं डेडिकेट करना चाहूँगा. आप बहुत खूबसूरत हैं, ऊपर वाले ने आपको बनाया है ताकि आप हमको संभाल सकें, तो आप ही हमारी गॉड मदर हैं. थैंक यू वेरी मच. और थैंक यू माँ. तो दुनिया की हर बेटी को मैं कहना चाहूँगा, जैसे विंध्या ने कहा, एक्चुअली दैट्स ट्रू, इवन आई बिलीव इन दिस, कि अगर लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हो, जैसे कि हम सुनते रहते हैं कि अब्रॉड में, बाहर देश में ऐसे लॉज हैं कि अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो, किसी भी बेटी को परेशान करते हो, तकलीफ़ देते हो, तो आपको सीधा फांसी की सज़ा सुनाई जाती है. मुझे लगता है या फियर इज़ एवरीबडीज फियर हैज़ फियर्स. सो जब आपका सबसे बड़ा डर ज़िंदगी खोना है तो सज़ा भी वैसी होनी चाहिए ताकि लोग
एक्चुअली कितने भी यू नो आई विश टू से बट आई कांट से कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्कोहल है, नशा है, जिसकी वजह से लोग आपा खो देते हैं अपना. सी आई बिलीव अगर आप कंज्यूम भी कर रहे हैं, वैसे तो कंज्यूम ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली नॉट, बट आप कर भी रहे हो तो आपको एटलीस्ट इतने सेंसेस में रहना चाहिए कि किसी को तकलीफ ना दें. जो डर होता है ना, जैसे जब बच्चे जो होते हैं अपनी माँ से इसीलिए डरते हैं क्योंकि मम्मी बैंड बजाती है, तो बस उसी तरीके से मोदी जी को सबकी एक्चुअली में बैंड बजानी चाहिए क्योंकि माँ भी कभी बेटी थी. यस, थैंक यू सो मच गाइस.